तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग मुझे तो पहचानते ही होंगे। मैं सोफिया हूँ और आज मैं अपनी फैमिली के साथ में अपने हाउस में शिफ्ट कर रही हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और मैं आपको अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। आप में से बहुत से लोग बोलते थे कि आप सोफिया की फैमिली को दिखाओ, सोफिया की फैमिली को दिखाओ और सोफिया का व्लॉग भी बनाओ। सो या मैं आज से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज से मैं अपना व्लॉग बनाऊँगी। सो चलिए हम अपने हाउस के अंदर चलते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ खाली है। हमने बस फर्नीचर तो सेट कर दिए हैं, बाकी की चीजें हमें सेट करना है। कि आप ये क्या खुद से बातें किए जा रहे हो? तुम इतना बड़ा सा बॉक्स ये उठा रखी हो? दीदी संभाल के, उसमें मेरे सारे टॉयज हैं। आप ये क्या बना रही हो, मेरे मुंह में घुसे रही हो? लड़की तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं व्लॉग बना रही हूँ? अब जल्दी से खुद को इंट्रोड्यूस करो। अच्छा ठीक है इंट्रोड्यूस करती हूँ ना, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। हेलो गाइस, मैं हूँ दीदी, छोटी बहन और मेरा नाम जूली है। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और अभी मैं अपने टॉयज सेट करने जा रही हूँ, तो आपसे मैं थोड़ी देर के बाद में मिलूंगी। अपना बॉक्स तो लेते जाओ। और कितना भारी बॉक्स है, इसको यहीं पर रख देती हूँ। बेटा तुम क्या कर रही हो किचन में, आके मेरी हेल्प करवाओ। ओके मम्मी मैं आ रही हूँ। गाइस तो अभी हम किचन में आ चुके हैं और ये है मेरी मम्मा। गाइस आप लोग तो मुझे पहचानती होंगे, मैं अंजलि हूँ और अभी मैं सारा किचन का काम कर रही हूँ। अब तक आपने सारे बर्तन को सेट नहीं किया तो व्लॉगिंग करने में लगी हो, एक भी काम नहीं कर रही हो। चलो अब जल्दी से सारे बर्तन मुझे सेट करने में मेरी मदद करो। ठीक है मम्मा। चलो बर्तन तो सारे लग गए हैं, अब मैं बाकी काम कर लेती हूँ। इसमें मम्मी की हेल्प कर चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में, अपने रूम को सेट करना है मुझे, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस ये है मेरा रूम और अभी आप लोग देख सकते हो बस यहाँ पे मैंने फर्नीचर ही लगाए हैं और बाकी का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो बाकी का भी मुझे सेट करना है, तो जल्दी से मैं सारा काम करती हूँ और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सच बताऊँ तो। इतना शिफ्ट करते करते थक ही गई, इतना ज्यादा काम करना है मुझे तो। हाँ दीदी आपने तो सारा काम कर लिया, देखो तो आपका रूम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। सुंदर क्यों नहीं लगेगा, आखिरकार मैंने जो सजाया है और मेरा डिजाइन भी तो देखो कितना ज्यादा मस्त है। जैसे कि हमें तो पता ही नहीं है कि आपने चैनी दीदी के रूम को कॉपी किया है। चुप हो जाओ जूली, ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं, ठीक है? तुम्हें पापा बुला रहे हैं, जाओ जाओ जाओ। आग में पोल क्या खोल दी, अब तो भगाने ही लगी। इस मेरी छोटी बहन की बातों का बुरा मत मानना, वो कुछ भी बकती रहती है। सारा घर तो सज गया, अब जल्दी से ये लिविंग रूम भी ठीक कर देता हूँ। सोफिया बेटा जरा सारा सामान लेके इधर तो आना। आ रही हूँ। ये लीजिए पापा, इस बॉक्स के अंदर सारा लिविंग रूम का सामान है। आराम से नीचे रख दो, आराम से, देखना सारा टूटने वाला सामान है, ध्यान से रखना। पर ठीक है ना, हमारी मम्मी कब से क्लोजेट में अकेले ही काम कर रही है, जाकर थोड़ी मदद कर दो उनकी। मम्मी क्लोजेट में पहुंच गई। आओ मम्मी, आपने सारा क्लोजेट सजा लिया? क्लोजेट का तो काम हो गया है, अब बस लिविंग रूम ही बचा। चलो लिविंग रूम का काम करते हैं।
आपने इतना सारा काम कर लिया, अब आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। लिविंग रूम का काम सारा पापा कर रहे हैं। नहीं बेटा चलो पापा की मदद करते हैं हम चल के। क्या मम्मी चलो। वाह सोफिया के पापा, लिविंग रूम का भी सारा काम हो गया। हाँ मैं यहाँ का सारा काम करती हूँ। वैसे वो वाली फोटोज नहीं मिल रही है जो सोफिया बीटीएस का फोटो लेके आई थी ना खरीद के लिविंग रूम में लगाने के लिए, वो फोटोज नहीं मिल रहे हैं। बातें कर रहे हैं, इधर ही तो होगा, देखिए जरा अच्छे से। मैंने भी वो फोटोज हर जगह पे ढूंढ लिए लेकिन कहीं भी मुझे नहीं मिला। तुम लोग कैसे ढूंढते हो? मैं अभी ढूंढ के लाती हूँ। मुझे फोटोज मिल गए। मम्मी आपको इतनी जल्दी मिल गया, हम तो पूरा घर छान मान लिया लेकिन हमको नहीं मिला। तुम्हारी मम्मी है ही ऐसी, कहीं की भी कोई भी चीजें ढूंढ के लेके आ जाती है। कुछ दिखाई नहीं देता, मैं ही लगा देती हूँ। हो गया हमारा सारा काम। ए पापा हो गया हमारा काम। मैं तो थक ही गई, अब मैं थोड़ा आराम करूंगी। वाह हमारा तो लिविंग रूम भी सेट हो गया, अब तो सब कुछ हो गया है, अब तो हम यहाँ पे अच्छे से सेटल हो गए। सब कुछ ठीक हो गया, अब तुम लोगों को बस कल से स्कूल जाना है। मैं अपने कॉलेज के बारे में तो भूल ही गई। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने न्यू स्कूल में जाने के लिए। वहाँ पे मेरे न्यू फ्रेंड्स बनेंगे और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तुम्हारे तो न्यू फ्रेंड्स बन जाएंगे लेकिन कॉलेज में कोई जल्दी दोस्त नहीं बनता, मैं क्या करूँ? आप तो इतनी ज्यादा फ्रेंडली हो फिर भी आपके दोस्त नहीं बनते। चलो बच्चों शाम हो गया है, जल्दी से डिनर कर लो, उसके बाद कल से तुम लोगों को स्कूल और कॉलेज भी जाना है। तो चलो डिनर कर लेते हैं। मम्मी पापा पता नहीं मेरा कल का कॉलेज का दिन कैसा होगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी ये शिफ्टिंग वाली वीडियो? अभी इस वाले मतलब कि मेरे व्लॉग के भी बहुत सारे पार्ट्स आने बाकी हैं जिसमें मैं आपको अपने कॉलेज लाइफ के बारे में दिखाऊंगी और भी बहुत कुछ दिखाऊंगी अपने लाइफ से रिलेटेड, फैमिली वाली वीडियोस, इस टाइप की वीडियोस मैं और भी ज़्यादा लाऊंगी। आपको कल अपने कॉलेज भी लेके जाऊंगी। सो अभी के लिए आज का व्लॉग तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। मैं आप सभी को अपने स्कूल में ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वहाँ पे आपको अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय।